जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो चौहानों की बात करेगा दिल्ली का राज करेगा, जो चौहानों की बात करेगा दिल्ली पे अमर राज करेगा। जितना चौहान अमर रहे अमर है, जितना चौहान अमर रहे अमर है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी मैं जगजीत सिंह टाइगर ग्रामीण विकास मंच का एक सदस्य हूँ। आज आप लोगों ने ऐलान किया कर दिया है पार्टियों के खिलाफ। जी हम लोगों ने खिलाफ इस देश के जितनी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं सबके खिलाफ संयुक्त चौहान मोर्चा बना करके एक मोर्चा खोला है और हम लोगों ने आवाज दिया है कि जो चौहानों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो चौहान को टिकट नहीं देगा, जिस पार्टी और जिस दल से अगर टिकट नहीं मिलेगा उस दल उस पार्टी उस संगठन का मेरा चौहान समाज बहिष्कार करेगा, वोट नहीं करेगा। सर कितने परसेंट लोग हैं चौहान समाज के आपके संगठन? चौहान समाज की बात करते हैं, चौहान समाज पूरे भारत में 2800 राज्य में पाए जाते हैं। अगर आबादी से देखा जाए तो किसी समाज से अगर कम नहीं होंगे, आप गिनती करा कर देख लीजिए। आपके संगठन के साथ कितने लोग जुड़े हैं? जिस तरह से आप हुंकार भर रहे हैं, क्या आपके मोर्चा के साथ चौहान समाज आएगा भी? मेरे मोर्चा के साथ एक एक चौहान इस बार खड़ा है। अगर कोई इसको आजमाना है तो कोई दल पार्टी और संगठन किसी चौहान के बेटे को टिकट न दे करके देखे, हम लोग बता देंगे कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। मंत्री राज्यपाल विधायक रहेंगे आप लोग सर? मंत्री विधायक और राज्यपाल की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से किस राज्यपाल किस मंत्री और किस विधायक की बात करते हैं आप बताइए। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक भी चौहान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो नाम बताइए उसका। रामविलास चौहान निषाद समाज के पार्टी से निषाद पार्टी से टिकट लेकर के आए, उनके खाते में मत बन था। भाजपा विधायक नहीं, भाजपा विधायक नहीं है वो, निषाद पार्टी के खाते में वो टिकट सीट गई थी मतबन का, उनसे उन्होंने टिकट लिया है निषाद पार्टी से, संजय निषाद से लिया है। आप बताइए 403 विधानसभा में एक भी चौहान के बेटे को टिकट मिला हो तो बताइए कोई? फिर भी चौहान समाज तो वोट करता ही रहा, वोट करता था, इसलिए करता था कि जिनको हम लोगों ने वोट कराकर चार चार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है वो भी हमारे समाज को अनदेखा काम करने अनदेखा किया है। इसलिए चौहान समाज ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन बीजेपी ने उनसे भी नाक बनने का काम किया और हमारे समाज को हमेशा चुनाव में प्रकाश राजभर आपके समाज को जिताने के लिए नाकदम किए और उनकी चुनाव की बारी है तो उन्होंने बगावत। मैं किसी जात विशेष का वार्ता करूंगा ही नहीं, मेरा राजभर से कोई बगावत नहीं है। मैं उन दल पार्टी से हिस्सेदारी मांग रहा हूँ जिनको मेरा समाज वोट देता है। ओम प्रकाश 20 टिकट लेकर आए, ओम प्रकाश से हमसे क्या मतलब है सर? लोग तो यही कहेंगे ना कि घोसी से वो लड़ रहे हैं। सवाल गलत है, मेरा ओम प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बीजेपी तो आया है ना कि चौहान समाज को वो वोट दिलाए थे राजभर समाज का लेकर के, चौहान का समय आया उनका भी तो राजभर का, उन्होंने चौहान को वोट नहीं दिया था, उन्होंने बीजेपी को वोट दिलवाया था ओम प्रकाश राजभर, जब किसी चौहान विशेष को वोट नहीं दिया है। चौहान उम्मीदवार दिलवाए थे ना, चौहान उम्मीदवार नहीं कही है, बीजेपी उम्मीदवार कही है सर। आप बीजेपी उम्मीदवार कहिए, हम लोगों को बलगलाने का काम आप लोग भी ना करें, क्योंकि वो आप बीजेपी उम्मीदवार थे दारा चौहान, आज भी हम लोग कहीं चौहान का बेटा जाता है उनको काम उनसे काम लेने के लिए। चौहान समाज उनको नेता नहीं मानता क्या? नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि चौहान समाज नेता नहीं मानते, मानता है, लेकिन हम बीजेपी की बात करेंगे, हम सपा की बात करेंगे, हम बसपा की बात करेंगे, हम कांग्रेस की बात करेंगे। बीजेपी से तो आप हिस्सेदारी भी मांग कर रहे हो, कह रहे बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी हमको बीजेपी अगर हमको हमारा वोट लेना चाहती है तो बीजेपी चौहान को कम से कम 2-3 सीटों पर टिकट दे। दारा चौहान को करे बीजेपी का उम्मीदवार। मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर जातिगत आप विशेष और जातिगत बात करेंगे किसी मंत्री का तो बीजेपी हर समाज के हर जातिगत पर एक एक मंत्री बना दे, एक जात के दो लोगों को मंत्री हटा दे, हम भी मानने के लिए तैयार हैं। अगर किसी समाज के तीन मंत्री बनाएंगे, किसी को चार मंत्री बनाएंगे, किसी को चार राज्यपाल बनाएंगे, हमको एक ही हिस्सेदारी चाहिए। हम आप संतुष्ट सबको करें। ठीक।